एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कविता जी का उपवन। आप यहां पर देख सकते हो, ये है क्रिसैंथेमम की कटिंग जो कि मैंने लगाई थी। इस बार मेरे पास क्रिसैंथेमम का सिर्फ एक ही प्लांट है और मैंने इसकी ये कटिंग लगाई थी जो कि सक्सेसफुली लग चुकी है। आज का वीडियो एंड तक देखना, एक बहुत ही कमाल की ट्रिक आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ और कैसे आप बहुत सारा फ्रूट पा सकते हो फ्री के प्लांट से, वो भी आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो सपोर्ट बनाए रखिए चैनल पर, और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। एक और अपडेट मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ देखिए, आपको ये दोनों पॉट याद होंगे जिसमें मैंने आपको खाद डालना बताया था। बहुत से लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा और अपना प्यार इस पर नहीं दिखाया, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखो। ये है हमारा बोगनविलिया के प्लांट जिसमें मैंने अभी कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल से हफ्ता भी नहीं हुआ होगा, तो मैंने आपको इसमें खाद डालना बताया था। ये इसी एरिया में रखे रहते हैं और यहाँ ऊपर की तरफ मैं आपको दिखाऊँ तो बहुत सारे कबूतर बैठे रहते हैं, उसी की वजह से ये प्लांट आपको गंदे दिख रहे हैं। लेकिन जैसे ही विंटर ख़त्म होगा तो इनकी साफ़ सफ़ाई हम करना स्टार्ट कर देंगे। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जो कलर दिख रहा है ना आपको, थोड़ा सा रेडिश था या थोड़ा सा पिंक था, तो ये फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। इस वाले प्लांट की मैं ब्रांच आपको दिखाऊं, यहाँ से जाते हुए ये आ रही है ऊपर, ये देखो फ्लावरिंग हो रही है ना। अब ये प्लांट रखा है इतने ऊपर और ये ब्रांच भी इतने ऊपर चढ़ गई है कि मैं इसको आपको कैसे दिखाऊं, तो मैंने स्क्रीन बहुत बड़ी कर दी है। ये देखो, इस पर फ्लावरिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ये देखो, ये मेरे कटिंग से ग्रो किए हुए प्लांट है, कबूतर भी दिख रहे हैं ना आपको। और इसका मदर प्लांट है जो, वो मैं आपको दिखाती हूँ, यहीं नीचे आ जाते हैं। ये रखा है यहाँ पर मदर प्लांट इसका, ये वाला देखो, ये है पॉट यहाँ पर। और ये आप बिलीव करो, ये बोगनविलिया मेरे पास 6 साल से है। जी हाँ, 6 साल से मेरे पास ये बोगनविलिया है और हस्बैंड ने इसकी अच्छे से बैंड बजा दी है, कटिंग बड़ी अच्छी वाली कर दी है, हार्ड कटिंग कर दी है। लेकिन इस टाइम पर आप भूलकर भी इसकी कटिंग मत करना, अगर फ्लावरिंग हो रही है तो प्लीज़ मत करना, ठीक है। और देखो, ये वाला जो पॉट है ना, मैं बहुत आलसी हूँ, सच बताती हूँ आपको, इतनी आलसी हूँ कि मैंने अभी तक, देखो इस पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको, ये न्यू लीव्स जो है ये इसके फ्लावर हैं। और मैं इतनी आलसी हूँ कि मैंने इस पॉट में अभी तक ना तो गुड़ाई की है और ना ही खाद वगैरह डाला है, तो ये बहुत बड़ी कमी है मेरी। मैं बस जो काम आप सबके साथ शेयर करती हूँ ना, वही करती हूँ, इसके अलावा कुछ कर ही नहीं पा रही। एक तो विंटर के दिन इतने छोटे होते हैं, जल्दी जल्दी भागे जा रहे, कुछ मैं कर ही नहीं पाती हूँ। तो यहाँ पर देख लिया आपने, मेरी कमी भी मैंने आपको बता दी और मैंने अपडेट भी आपको दिखा दिया। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये वाला पॉट आपको याद होगा जिसमें मैंने खाद आपको बनाना सिखाया था, तो मैंने पूछा था कि जब ये फिल हो जाएगा मैं इसमें क्या लगाऊं, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पर मेरे सामने जो रखा हुआ है ना दूसरा पॉट, ये देखो, ये भी मैंने खाली कर दिया है। और आज का हमारा खजाना है ये है हमारा रसभरी का प्लांट जो कि लास्ट ईयर मेरे गार्डन में 2 थे और इतनी हार्वेस्टिंग हुई थी इनसे कि मैं आपको क्या बताऊँ। पिछले साल मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो मैंने इसके शेयर किए थे। अब एक बार जाकर देखो, यहाँ तक कि मैंने पड़ोसियों को भी बांटे थे रसभरी के प्लांट। अब रसभरी कैसी होती है ये देख लो, गार्डन में थोड़ा सा कूड़ा कबाड़ा है, उसको इग्नोर करना क्योंकि अभी रिपोर्टिंग वगैरह और खाद का जो काम है वो चल रहा है। रसभरी इस तरह की होती है, इसमें भी 2-3 वैरायटी आती है। तो ये है रसभरी का प्लांट, ये देखो, ये फ्रूट जो है इस पर आने लगे हैं। और पॉट आपको देख लो, मैं बैठ कर दिखाती हूँ। तो देखो जी, इसका पॉट बिल्कुल छोटू सा है, मतलब कि ये 4-5 इंच का ही पॉट होगा। और ये रसभरी मैंने लगाई नहीं, अपने आप ग्रो हो गई है। और इसमें ये बहुत अच्छा सा एक प्लांट लगा हुआ है, इसको हस्बैंड बोलते हैं कि ये खजूर की वैरायटी है। तो आप हमें कमेंट करके बताना क्या ये खजूर है। और मेरे इस प्लांट की कंडीशन आपको दिख रही होगी, बहुत बुरी है। क्यों बुरी है? तो यहाँ से इसको गिलहरी ने जो है वो कट कर दिया है। ये देखिए, ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ से कट किया हुआ है। तो मैं इसको बड़े पॉट में रिपोर्ट कर देती हूँ और इसकी केयर और टिप्स जो है वो सब आपके साथ मैं शेयर करूँगी। ये भी रसभरी के प्लांट है, अपने आप ग्रो हुए, हमने नहीं किए हैं। पॉट आप कोई सा भी ले सकते हो, इस तरह का ले सकते हो, इस तरह का ले सकते हो, इस तरह का ले सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। मिट्टी का रेशियो 50% मिट्टी, 30% खाद, बाकी हिस्सा रिवर्शन, मिक्स करके अच्छे से आप अपने पॉट में भर लो, मैं भी भर लेती हूँ। और कैसे मिट्टी रेडी करते हैं उसका डिटेल वीडियो चैनल पर है, प्लीज़ एक बार चेक कर लेना। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो रसभरी का प्लांट आपको दिखाया था वो मैंने इसमें लगा दिया है। मिट्टी जो गार्डन की है वही मैंने इसमें भर दी है। इसके बाद मैं एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए थोड़ा सा इसमें डालती हूँ चुटकी भर फंगी पाउडर, ताकि कोई भी इस पर फंगस वगैरह का अटैक ना हो। आप देखो, सिर्फ चुटकी भर ही डाला करो, इससे ज़्यादा मत डाला करो। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी नीम की खली, मैं उसे निकाल लेती हूँ।
ये है नीम की खली एक चम्मच के करीब। ये भी आपके प्लांट को फंगस के अटैक से बचाएगी, उसको ग्रो करने में हेल्प करेगी। और ये है हमारा सी वीड एक्सट्रैक्ट, आप इसका लिक्विड भी बनाकर डाल सकते हो। इसमें सारे पोषक तत्व है जो आपके प्लांट के लिए ज़रूरी होते हैं। ये सी वीड एक्सट्रैक्ट जो होता है समुद्री एक तरह की घास होती है, मतलब कि ये समुंदर में बनता है, ठीक है। तो सारे पोषक तत्व है इसमें, एक तरह की काई होती है ये समुंदर में। और देखिए मैं इसको थोड़ा सा मिट्टी और फिल कर लेती हूँ, उसके बाद ये वाले प्लांट जो है ये मैं आपको लगाना बताऊँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक डंडा लगा दिया है प्लांट का और एक गड्ढा बना लिया है। अब इस गड्ढे में ना मैं ये वाले प्लांट जो है ये निकाल कर लगा देती हूँ। रूट इन सब की अच्छी बनी है और आप देख सकते हो, ये देखो बड़ी हल्दी सी रूट है। ये जो नीचे लटक रही है ना आप, ये रूट ही होती है इसकी। तो बड़ी सेफली मैं इसको यहाँ रख कर ऊपर से एक्स्ट्रा मिट्टी डालकर फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें अपना प्लांट जो है वो लगा दिया और मिट्टी भी अच्छी तरीके से फिल कर दी है। और जब भी कोई पॉट लेते हो उसके बॉटम में होल ज़रूर बना लिया करो। अब हम कर देते हैं वाटरिंग। ये प्लांट ऐसा है कि आप इसको डेली वाटरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब इसकी मिट्टी सूखे आप तभी इसमें वाटरिंग कर देना। फर्स्ट टाइम जब भी प्लांट की रिपोर्टिंग करते हो या प्लांट लगाते हो अच्छी तरीके से वाटरिंग करो। और ये देखो इसका ब्यूटीफुल सा फ्लावर है, छोटू सा। यही फ्लावर कन्वर्ट हो जाता है हमारी इस तरह की रसभरी में, ठीक है। अब मैं इसके खाद की बात करूँ, मैं इसमें महीने में दो बार खाद डालती हूँ, अपना किचन वेस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट एक मुट्ठी भरकर उसमें सरसों की खली नीम की खली एक एक चम्मच मिला लेती हूँ। अगर आपको ऐसा लगे कि प्लांट में किसी पेट्स अटैक हो रहा है, होता है इसमें, मैं झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है, होता है, लास्ट ईयर के मेरे वीडियो देख लेना। तो मैं नीम ऑयल का स्प्रे कर देती हूँ 15 से 20 दिन में एक बार, ठीक है। और इसको पानी से वॉश कर दिया करो, तभी वो कीड़े मकोड़े पेट्स जो हैं वो चले जाते हैं। प्रॉपर धूप इसको चाहिए, जितनी भी देर की धूप आपके गार्डन में आती हो उतनी देर की धूप इसको प्रोवाइड करना। तो चलिए फिर, अगर आपको ये प्लांट अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करो। और ये आपको फरवरी से मेरे ख्याल से मार्च के एंड तक या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक तक बहुत अच्छी फ्रूटिंग देता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग। और इसको धूप में रख देना, बट अभी जैसे हमने रिपोर्ट किया है तो 2-4 घंटे के लिए शेड एरिया में।